जय श्री राम दोस्तों। आज है मेरा 66 डे 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन का। सुबह उठकर डेली की तरह पिया 1 ग्लास वाटर, नहा धो के फ्रेश होके किया पूजा एंड उसके बाद सूर्य देव जी को चढ़ाया जल डेली की तरह एंड प्लांट्स को दिया फिर वाटर। बाहर बहुत अच्छा मौसम था और ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था। गाइस, ब्रेकफास्ट टाइम, ओट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। चलिए फटाफट कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। उसके बाद डेली रूटीन की तरह अपने क्लाइंट को ट्रेनिंग कराने मैं चल दिया एंड देख सकते हैं ये कुछ एक्सरसाइजेस जिसमें आज हमने कवर अप किया चेस्ट एंड शोल्डर्स और ये कुछ ज़बरदस्त मशीन्स माइंड मसल कनेक्टिविटी के साथ वर्कआउट परफॉर्म किया। एंड वही चीज़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आपको भी रिजल्ट चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा एंड ऐसे करके वर्कआउट होगा। ओवर। सो गाइस वेलकम बैक। आज है ट्यूसडे, कर रहा हूँ मैं शोल्डर्स का वर्कआउट पार्ट ए में एंड इवनिंग में करेंगे हम आर्म्स का वर्कआउट। तो चलिए पहले फटाफट कर लेते हैं वार्म अप, ज़बरदस्त वर्कआउट होने वाला है तो चलिए कर लेते हैं वार्म अप, फिर मिलते हैं आपसे। एंड गाइस डेली की तरह 20 मिनट्स किया क्रॉस ट्रेनर, आज शोल्डर का वर्कआउट था। तो वार्म अप होने के बाद की 15 to 20 मिनट्स स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, देन उसके बाद स्टार्ट किया अपना वर्कआउट। सो स्टार्ट करते हैं ट्रेपेज़ियस से। आज मैंने 3 वेरिएशन की, जिसमें फर्स्ट वेरिएशन दी है बिहाइंड नेक के साथ लिफ्ट श्रग्स, देन उसके बाद फ्रंट से श्रग्स एंड उसके बाद गाइस ये इंक्लाइन एलिवेटेड श्रग्स जो कि मिड ट्रेपेज़ियस पे वर्क ज़बरदस्त करती है। तो ये तीनों वेरिएशन के 4 4 सेट्स विथ 15 15 रेपिटेशन, देन उसके बाद साइड लेटरल विथ 5 सेट माइंड मसल कनेक्टिविटी के साथ ये एक्सरसाइज परफॉर्म की। देन उसके बाद गाइस फ्रंट रेजेस विथ लिटिल ट्विस्ट, ये गाइस मेरे एंटीरियर शोल्डर पे एंड हल्का सा मिडिल टेल पे भी वर्क ज़बरदस्त करती है। देन उसके बाद गाइस रेडल्ट सबके 4 4 सेट विथ 15 15 रेपिटेशन परफॉर्म किए। देन गाइस ये वाली एक्सरसाइज मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, ये थोड़ा सा चेंज किया वेरिएशन फॉर री एडल्ट अमेजिंग पंप, आप इसको ट्राई कर सकते हैं विथ 4 सेट 15 15 रेपिटेशन। देन उसके बाद गाइस सीटेड ओवर हेड डम्बल प्रेस नॉर्मल 4 सेट विथ 15 15 रेपिटेशन। देन उसके बाद गाइस फ्रंट रेजेस लिटिल ट्विस्ट और इसके भी मैंने 4 सेट विथ 15 15 रेपिटेशन करके अपना वर्कआउट कर दिया ओवर। सो गाइस शोल्डर का वर्कआउट हो गया ओवर। हाँ, बैक टू बैक वीडियोज आ रही हैं, एनर्जी लेवल डिप्लीट हो गई है और बता दूं आपको कि ये 90 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। गाइस जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, माय फेसबुक पेज इज महेश नेगी, यूट्यूब चैनल इज अमन बॉय ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा मुझे DM कीजिए, माय इंस्टा हैंडल इज महेश फिट अंडर। तो चलिए गाइस हो गया वर्कआउट ओवर और आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है बॉडी में। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं सीधे लंच में एंड इवनिंग में करेंगे आज हम आर्म्स का ज़बरदस्त वर्कआउट, तो डोंट मिस। चलिए मिलते हैं गाइस। लंच में दाल राइस ये चटनी मूली एंड अपना गुड इवनिंग गाइस। सो हो गया है मिल्क टाइम, तो चलिए पीते हैं मिल्क, चलते हैं जिम। गाइस आज का जो वर्कआउट है वो टाइम सेविंग वर्कआउट है, जिसमें आप एक ही टाइम पे दो दो एक्सरसाइज एक ही बार या डंबल से परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले मैंने ज़िगज़ैग बार से कर्ल किया, देन उसके बाद उसी से ओवर हेड एक्सटेंशन कर रहा हूँ 4 4 सेट विद 15 15 रेपिटेशन। देन गाइस के बाद सिंगल आर्म केबल के साथ ईच साइड 12 12 रेपिटेशन परफॉर्म किए एंड उसके बाद गाइस उसी से सिंगल आर्म एक्सटेंशन। सो ये गाइस टाइम सेविंग एक्सरसाइजेस हैं जिनके पास टाइम कम होता है बट सुपर इफेक्टिव एक्सरसाइजेस। एंड उसके बाद गाइस डंबल के साथ जॉटमैन कर्ल देख सकते हैं आप, ये एक्सरसाइज 4 4 सेट विद 15 15 रेपिटेशन एंड सुपर सेट परफॉर्म किया मैंने सेम विद डंबल किकबैक। सो जिनके पास टाइम नहीं होता वो ये एक्सरसाइज ये पैटर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद हाई आर्म केबल कर्ल फॉर बाइसेप्स एंड उसी से मैंने रिवर्स पुश डाउन
किया, सुपर इफेक्टिव, और ऐसे करके अपना वर्कआउट हो गया ओवर। राइस हो गया डिनर टाइम, आलू गोभी की सब्जी के साथ राइस दाल। चलिए करते हैं अपना डिनर। सो गाइस आज का डे भी हो गया ओवर और रात भी काफ़ी हो गई है। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, जय श्री राम, मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।